नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज है 17 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। 2 फरवरी से 2270 सफल महिला अभ्यर्थियों की शुरू होगी शारीरिक परीक्षा। बिहार पुलिस संगठन सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2020 की लिखित परीक्षा में सफल हुए 2270 महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय में ली जाएगी। फिलहाल अभी विज्ञापन संख्या 1/2019 में सफल हुए अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा ली जा रही है। इस दौरान 300 से अधिक फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार भी किए गए हैं। राजस्व विभाग में पुराने पैनल से भरे जाएंगे 2000 से अधिक पद। पुराने आवेदनों पर विचार, सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर हो जाएगी नियुक्ति। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 2000 से अधिक लोगों की नियुक्ति की गुंजाइश बन रही है। ये भूमि सर्वेक्षण से जुड़े पद हैं। संविदा के आधार पर विशेष तौर पर ये पद सृजित किए गए हैं। सर्वेक्षण पूरा होने के साथ ही ये पद समाप्त हो जाएगी। इस तरह से नियुक्त हो रहे लोगों की नौकरी की मियाद 3 साल या उससे कुछ अधिक रहेगी। बिहार में पहले दिन 18,122 लोगों को लगा टीका, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य में टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शनिवार को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। पहले दिन राज्य भर के 301 केंद्रों पर 18,122 लोगों को वैक्सीन के डोज दिए गए। कहीं से कोई साइड इफेक्ट की सूचना नहीं है। उत्सवी माहौल में टीकाकरण की शुरुआत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। राज्य का पहला टीका IGIMS में सफाई कर्मी राम बाबू को दिया गया। दूसरे नंबर पर एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को टीके का डोज पड़ा। लैब टेक्नीशियन सोनू पंडित और करणवीर सिंह राठौर को मुख्यमंत्री के समक्ष हैदराबाद से आए कोवैक्सीन टीका दिया गया। मुख्यमंत्री ने टीका लेने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। दिन के करीब 11:15 बजे IGIMS में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की। इसके साथ ही राज्य के 300 केंद्रों पर पहला डोज दिया गया। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। राज्य के सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन व च्वाइस फिलिंग 18 जनवरी से शुरू होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से सीट मैट्रिक्स रविवार को जारी किया जाएगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के रिजल्ट के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों के लिए मेरिट लिस्ट व रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का होगा आयोजन। फॉर्म नहीं भर पाए विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। फरवरी में होने वाले मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 के अलावा बिहार बोर्ड इसी साल अप्रैल मई में एक और परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें इंटर और मैट्रिक में शामिल होने से वंचित छात्र भाग लेंगे। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में सभी रजिस्टर्ड विद्यार्थियों को कॉलेज व स्कूल स्तर पर आयोजित सेंटअप परीक्षा में पास है, लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं वैसे विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब की बार EVM से ही राज्य में पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग ने जताई सहमति। मार्च से मई के बीच होने हैं पंचायत चुनाव। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव EVM से ही होंगे। EVM से चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर पंचायती राज विभाग ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि बिहार में पहली बार EVM से पंचायत का आम चुनाव होगा। अभी तक राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे हैं। आयोग ने पंचायती राज विभाग को EVM से पंचायत का आम चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना था। आयोग के सूत्रों के अनुसार विभाग ने EVM से चुनाव कराने के आयोग के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए पत्र लिखा है। पहली से आठवीं कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग। निजी स्कूलों के संगठन ने सरकार से कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन टेस्ट व परीक्षा से छात्रों की बौद्धिक क्षमता व कुशलता घटती जा रही है।
निजी स्कूलों के संगठन प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने अभिभावकों से बकाए फीस की भी मांग की है। संगठन ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि स्कूल का बकाया फीस परीक्षा से पहले जमा कर दे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामलय अहमद ने बताया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं 5 घंटे संचालित करने की अनुमति मिल गई है। व्हाट्सएप ने बदलाव को 15 मई तक टाला। व्हाट्सएप ने नीति में बदलाव को 15 मई तक के लिए टाल दिया है। दरअसल निजता नीति बदलाव को लेकर व्हाट्सएप को भारत सहित वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने व्हाट्सएप के दूसरे विकल्प का भी प्रयोग करने की सलाह दी थी। 94,000 शिक्षकों के बहाली को लेकर सरकार की ओर से ताल मटोल के नीति के खिलाफ 18 जनवरी को अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। प्रदेश में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति अधर में लटका सा दिखने लगा है। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा 18 जनवरी को पटना में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर कई राजनीतिक दल भी उनके साथ उतर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। वहीं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी सहयोग करने की बात कही है। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।